कोरबा के बालकोनगर टाउनशिप में भालू रात में चहलकदमी करते दिखाई दिए। इससे कॉलोनी वासियों में दहशत का माहौल है। बालकोनगर टाउनशिप के चारों ओर घने जंगल हैं। जंगलों में वन्य प्राणियों की मौजूदगी है। ठंड बढ़ने के बाद वन्य प्राणी आबादी वाले इलाकों में भोजन की तलाश में प्रवेश कर रहे हैं। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि टाउनशिप में अमरूद पेड़ सहित अन्य फलों की भरमार है, जिसे खाने के लिए भालू अक्सर टाउनशिप आते हैं। इसी तरह बीती रात एक भालू जंगल से टाउनशिप में घुस आया। वह टाउनशिप स्थित मकानों के इर्द गिर्द घूमता दिखाई दिया, उसके बाद जंगल की ओर लौट आया। भालू के विचरण से कॉलोनी वासियों में दहशत है। वहीं नाइट शिफ्ट में बालको प्लांट में काम करने वाले कर्मचारी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन भालुओं ने टाउनशिप में रहने वाले लोगों को अभी तक किसी भी तरह की नुकसान नहीं की। ठंड बढ़ते ही खाने की तलाश में वन्य प्राणी रियासी इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व ही कॉफी पॉइंट के समीप कुछ युवकों को रात्रि में एक तेंदुआ भी दिखा था। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।